Assalamu alaikum students. How are you students? Hope you're all fine in the best condition of iman and health. जी तो students, आज हमारा जो है वो last lecture है, lecture number 24. जी बच्चों, आज का जो lecture है ना वो बहुत ही interesting है. आज हम लोगों ने एक activity जो है हमने आज उसको डिस्कस करना है अपने लेक्चर में और ये बहुत इंटरेस्टिंग है. आप लोग भी जल्दी से अपनी वर्कबुक्स जो है पेज नंबर 65 पे खोल लें और ये बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को ये एक्टिविटी सॉल्व करते हुए. आप लोगों ने जो है अब सबसे पहले लेक्चर नंबर 24 वर्कबुक पेज नंबर 65 अपनी जो है वो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं जो है आपको आज का HOD और SOD वो मैं बता देती हूँ. आज की हमारी हदीस ऑफ द डे है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमेशा सच बोलो. जी बच्चों, क्या है हमारी आज की हदीस? हमेशा सच बोलो. और हमारा HOD जो है और सॉरी SOD जो हमारा सेंटेंस ऑफ द डे है वो है ओपन योर बुक्स. ओपन योर बुक्स हमारा आज का सेंटेंस ऑफ द डे है. जी बच्चों, चले अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा जो लेक्चर है वो वर्कबुक पेज नंबर 65. आप लोगों ने क्या करना है, चूज द फ्रूट्स फ्रॉम विच वी कैन मिल्क शेक. जी बच्चों, मिल्क शेक तो सारी गर्मी आप लोगों ने पिया है, बहुत न्यूट्रिशियस होता है, बहुत मजे का भी लगता है. जिनको दूध का जायका नहीं भी पसंद वो भी जो है मिल्क शेक पी लेते हैं. जी तो हम लोगों ने एक एक्टिविटी सॉल्व करनी है, वो क्या है, आपकी वर्कशीट्स पर भी कुछ फ्रूट्स बने हुए हैं. आप लोगों ने जिन फ्रूट्स से मिल्क शेक बन सकता है उनको टिक कर देना है और जिन फ्रूट से आपका ख्याल है कि मिल्क शेक नहीं बन सकता उनको हमने क्रॉस कर देना है. ठीक है बच्चों, चलें जी उठा लें अपनी पेंसिल्स. और ये बात याद रखिए कि एक बात और आप याद रखिए कि ये फ्रूट्स जो हैं आप लोगों की जो है असेसमेंट शीट्स पर वो जी बच्चों आप लोगों की असेसमेंट शीट्स पर जो फ्रूट बने हुए हैं वो विदाउट कलर्स हैं. आप लोगों ने क्या करना है, उनमें कलर भी करने हैं और प्लस आप लोगों ने उन फ्रूट्स को जो है वो टिक करना है जिनसे हम लोग मिल्क शेक बना सकते हैं. ठीक है बच्चों, कलर्स आपने सब में करने हैं, हर फ्रूट में कलर करना है और टिक सिर्फ उनको करना है जिनसे आपके ख्याल में मिल्क शेक जो है वो बन सकता है. जी सबसे पहले है हमारे पास ग्रेप्स. ये क्या है, ग्रेप्स. क्या ख्याल है, कभी पिया आप लोगों ने ग्रेप का मिल्क शेक? जी बच्चों बताए, मेरा ख्याल है इसका आंसर होगा नो. जी तो इसको हम लोगों ने कर देना है क्रॉस. इसके बाद है जी हमारे पास पीच. जी बच्चों, पीच का मिल्क शेक कभी पिया आप लोगों ने? बनता है पीच का मिल्क शेक, जो पीच है उसका मिल्क शेक बनता है. ठीक है, इसको हमने क्या कर देना है, टिक कर देना है. आप भी बनाइएगा, घर में ट्राई कीजिएगा, पीच का मिल्क शेक जो है वो बहुत मजे का बनता है. नेक्स्ट है हमारा ऑरेंज. ऑरेंज का मिल्क शेक नहीं बनता. ठीक है, ऑरेंज का मिल्क शेक जो है वो नहीं बनता. नेक्स्ट है हमारा मैंगो. इसको तो दो बार टिक कर ले. मैंगो का मिल्क शेक तो बहुत ही डिलीशियस होता है, बहुत न्यूट्रिशियस होता है, बहुत मजे का बनता है और बहुत ज्यादा बनाते हैं लोग मैंगो का जो है मिल्क शेक. नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रॉबेरी. स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक भी बहुत मजे का बनता है. अब हमारे पास इस लाइन में कितने फ्रूट हैं जिनका मिल्क शेक बनता है, पीच, मैंगो एंड स्ट्रॉबेरी. ऑरेंज और ग्रेप्स का मिल्क शेक नहीं बनता. नेक्स्ट है हमारे पास चेरीज. चेरीज का मिल्क शेक बच्चों बन जाता है, बहुत रेयर होता है. चेरीज को भी हम टिक करेंगे, इनका भी मिल्क शेक बनता है. नेक्स्ट है हमारे पास एप्पल. एप्पल का मिल्क शेक भी बहुत डिलीशियस होता है. बनाना, बनाना का मिल्क शेक तो बहुत ही डिलीशियस और न्यूट्रिशियस होता है. और आखिर पे रह गया हमारे पास वाटरमेलन. वाटरमेलन का मिल्क शेक तो बिल्कुल भी नहीं बनता. जी ये है हमारे पास जो फ्रूट्स, हमने उनको टिक कर लिया जिनका मिल्क शेक बनता है, यानी जिनका मिल्क शेक जो है वो डिलीशियस होता है, उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू भी ठीक होती है. बाकी ये जो फ्रूट्स हैं इनका मिल्क शेक जो है वो हम नहीं बना सकते, क्योंकि वो जब मिल्क के साथ कंबाइन होते हैं तो हमारे लिए जो है वो ज़्यादा हेल्दी चीज़ या न्यूट्रिशियस चीज़ नहीं बनती. वैसे आप जो है वो इंडिविजुअली ये फ्रूट खा लें तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन जब हम इनको मिल्क के साथ ग्राइंड कर देते हैं तो वो जो चीज़ की जो वैल्यू है वो उतनी नहीं रहती, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि फ्लॉप फ्रूट का
मिल्कशेक नहीं बन सकता, लेकिन जो ये मिल्कशेक है जैसा कि पीच, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, चेरी, एप्पल, बनाना, ये ऐसे फ्रूट हैं जिनका मिल्कशेक जो है हमारे लिए बहुत ही अच्छा और न्यूट्रिशियस होता है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर, अब हमने मिल्कशेक बनाना है, थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू मेक मिल्कशेक जी। बच्चों कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि मिल्कशेक के लिए रिक्वायर्ड होनी चाहिए? आपने कभी अपनी मम्मा को बनाते हुए देखा है मिल्कशेक, क्या क्या चीजें वो यूज करती हैं? देखें इस लिस्ट में से, ये जो आपके सामने कुछ चीजें लगी हुई हैं, इनमें से सबसे पहले तो हमने टिक करना है उन चीजों का। आपके असेसमेंट शीट पर भी इसी तरह से आपको डिफरेंट जो है इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, आप लोगों ने वो चीजों को टिक करना है जो कि आपको लगता है कि मिल्कशेक जिनसे बन सकता है जी। सबसे पहले तो फ्रूट्स, क्या होना चाहिए? फ्रूट होना चाहिए, मे बी वो मैंगो हो, स्ट्रॉबेरी हो, चेरीज हो, एप्पल हो, बनाना हो, कोई भी फ्रूट हमने, तो जो फ्रूट जो है ये क्या है, मेन इंग्रेडिएंट है मिल्कशेक बनाने के लिए, तो हमने फ्रूट को टिक कर देना है। उसके नीचे क्या बनी हुई है जी, ये है हमारा फ्रूट। उसके बाद है ये क्या है, चिली जी। डलती है चिली मिल्कशेक में? जी नहीं, मिल्कशेक तो बहुत ही स्वीट होता है, तो हमने इसको कर देना है क्रॉस, चिली जो है वो बिल्कुल भी मिल्कशेक में नहीं होती। नेक्स्ट है आइस जी, बिल्कुल आपकी, आपने कभी अपनी मम्मा को देखा है, आइस जो है वो, आइस क्यूब्स जो है उनको क्रश करके मिल्कशेक में डाला जाता है, तो आइस भी जो है वो इंग्रेडिएंट है मिल्कशेक का। नेक्स्ट है सॉल्ट एंड पेपर जी, डालते हैं सॉल्ट एंड पेपर मिल्कशेक में? नहीं, तो हमने इसको क्रॉस कर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास मिल्क, डेफिनेटली एज द नेम शो, जैसा कि वो है ही मिल्कशेक, तो मिल्क जो है वो बेसिक है, बेसिक इंग्रेडिएंट है मिल्कशेक का। नेक्स्ट है शुगर, उसमें शुगर भी हमें डालनी पड़ेगी क्योंकि हमने उसको बहुत ज्यादा, क्योंकि वो मीठा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लेंडर, मिक्सर या ब्लेंडर, ये हमारे पास होना बहुत जरूरी है क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल के जब हम इसमें ब्लेंड करेंगे तो ही हमें जो है असल प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है बच्चों, ये था हमारा लेक्चर नंबर 24 जो कि हमारा लास्ट लेक्चर था, जो कि बेस कर रहा था एक एक्टिविटी पर, जिसमें हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि कौन से वो फ्रूट्स हैं जिनका मिल्कशेक जो है वो सूटेबल है। ब्लेंडर में तो आप कोई भी फ्रूट डाल के मिल्क के साथ ब्लेंड करेंगे, मिल्कशेक तो बन जाएगा, लेकिन वो हमारी हेल्थ के लिए या हमारे लिए सूटेबल नहीं होगा। तो जो जिस फ्रूट का मिल्कशेक जो था वो हमारी हेल्थ के लिए और हमारे लिए सूटेबल है, हमने उनको टिक कर दिया, और जिसका मिल्कशेक जो है वो सही नहीं होता तो उनको हमने क्रॉस कर दिया था। और यहाँ पर हमने इसके इंग्रेडिएंट्स के, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हैं रिक्वायर्ड होती हैं मिल्कशेक बनाने के लिए, जिसमें फ्रूट है, जूस ब्लेंडर या मिक्सर है, आइस क्यूब्स हैं, मिल्क है और शुगर है। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने जो आपकी असेसमेंट शीट पे फ्रूट्स हैं उनको कलर करना है, प्लस टिक लगाना है उन पर जिनका मिल्कशेक बनता है, और क्रॉस लगाना है उन पर जिनका नहीं बनता। फिर उसके बाद ये जो हमारी थिंग्स हैं जिनसे जो इंग्रेडिएंट हैं, जो चीज़ें मिल्कशेक बनाने में यूज होती हैं, उनको हमने टिक कर देना है और बाकी को हमने क्रॉस कर देना है। ठीक है बच्चों, आज का हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।